देखो फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की पालक भाजी वाली खिचड़ी। वो हम कैसे बनाते हैं वो मैं आज बनाऊंगी, आप देखोगे। पहले मैं बताऊंगी उसके इंग्रेडिएंट्स। ये है मूंग दाल और चावल, पालक की भाजी, एक बड़ा टमाटर, दो बड़े टुकड़ों में मैंने बारीक चॉप कर लिए है आलू, प्याज, ये गार्लिक है एक चम्मच, और ये अदरक है, और ये मिर्च है, और इसके मसाले हैं नमक, राई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, और ये है चक्रफूल, लौंग और हींग, और ये दालचीनी। इन सब मसालों से हम टेस्टी बनाएंगे मसालेदार पालक की भाजी। मैंने गैस पर कुकर रख दिया है, अब मैं गैस को ऑन करूंगी और इसमें मैं डालूंगी तेल, ये फॉर्चून तेल है। हमने यहाँ करीबन 4-5 चम्मच ऑयल लिए हैं और हमें ऑयल को गर्म करने देना है। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें तड़का। देखो अब मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें राई डालूंगी। जीरा डालिए, फिर इसमें चक्रफूल और लौंग और हींग सब डाल के इसको ऐसे तेल में फ्राई कर लूँगी। फिर अब इसका मैं तड़का लगाऊंगी पानी से। अब मैंने जो सब्जी काट ली थी, ये प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और टमाटर के साथ हमें आलू भी डाल दोगे इसमें, और ये जो उसके खिचड़ी का बेस्ट पॉइंट है पालक, वो भी डाल दूंगी साथ में, और सब मसालों को मैं मिक्स कर लूंगी। देखो अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और जो मैं एक डालूंगी वो पाउडर है, वो गरम मसाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना है तो डालना वरना वो भी चलता है, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं डाल रही हूँ अब मैंने ये जो सब मसाले डाले हैं, सब वेजिटेबल्स, उसको मैं थोड़ी देर ऐसे पानी में उबलने दे रही हूँ ऑयल के साथ। फिर हमारे जो मसाले हैं उसी के मुताबिक हमें पानी डालना है। पानी कम ना होना चाहिए और ज़्यादा भी ना होना चाहिए। और उसके बाद मेरा ये जो मसाला है वो गर्म बहुत हो चुका है, तो अब मैं मूंग दाल की खिचड़ी डालूँगी इसमें। मिक्स कर लूँगी सबको, थोड़ी देर ऐसे ही खुले में उबलने दूंगी, फिर कुकर को बंद करूँगी। देखो फ्रेंड्स, अब मेरी ये खिचड़ी है वो कुकर में उसका एक बार उबल आ गया है, अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। ये इतनी यम्मी और टेस्टी होती है खिचड़ी,
देखो अब ये मेरी खिचड़ी पक चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मैं उसको नीचे उतार लूंगी और अब मैं उसका ठंडा वेट करूंगी। देखो फ्रेंड्स, अब मैं कुकर को खोलूंगी और देखूंगी ये पक रही है। अच्छे से पक गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। ये खिचड़ी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और हेल्दी और टेस्टी।